तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर बताने वाला हूँ जो कि सैमसंग गैलेक्सी के अंदर आपको मिलता है और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। ये फीचर आपके मोबाइल में इनेबल होना चाहिए और इसको आपको देखना भी चाहिए कि ये फीचर काम कर रहा है या नहीं कर रहा और कैसे ये काम कर रहा है, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आज सबसे पहले आपको मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल का फीचर बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर। दोस्तों होता क्या है, हमारे पास कोई भी मैसेज आता है, लाइक हमारे पास कोई ओटीपी आया या हमारे कुछ सिक्योरिटी पासवर्ड्स होते हैं जिसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट नेट बैंकिंग के पासवर्ड या जो भी चीज़ हमारी होती है हम उसको कॉपी कर लेते हैं। हर कोई बंदा कॉपी करके कहीं ना कहीं उसका यूज़ करता ही है, चाहे ओटीपी हो चाहे कुछ भी हो। पर आपको एक चीज़ पता है, जो भी चीज़ अगर आप कॉपी करते हैं लाइक में भी ही पर तो दोस्तों जैसा कि बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों वो ये है कि हम किसी भी कोई भी चीज़ को कॉपी करते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और यहाँ क्लिपबोर्ड में देखेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपका डेटा सेव रहता है और कोई भी थर्ड पार्टी ऐप उस डेटा को एक्सेस कर सकती है आपको बिना परमिशन, आपको बिना बताए, क्योंकि आपने क्लिपबोर्ड की परमिशन उसको दे रखी है। तो उससे बचने के लिए एक कमाल का फीचर मिलता है जो कि सैमसंग गैलेक्सी के अंदर आपको मिलता है, उसका यूज़ करके आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद ऊपर की तरफ जाएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, उसमें जाना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिशनल प्राइवेट कंट्रोल, वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है अलर्ट व्हेन क्लिपबोर्ड एक्सेस। तो जब भी क्लिपबोर्ड एक्सेस होगा आपको एक अलर्ट मिल जाएगा कि भैया इस ऐप ने क्लिपबोर्ड से डेटा को एक्सेस किया है, तो आप वहाँ पर वार्म हो सकते हैं। एक तरीके का अच्छा ऑप्शन है, ये आपको बता देगा सिक्योरिटी के लिहाज से अब कैसे काम करता है, वो आपको बताता हूँ। लाइक मैंने ये मैसेज को यहाँ से कॉपी किया, और मैं आया अपने WhatsApp पे, मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट किया। तो आप देखना आपको बताएगा WhatsApp पेस्टेड फ्रॉम योर क्लिपबोर्ड, WhatsApp ने आपको क्लिपबोर्ड के थ्रू पेस्ट किया है। तो जहाँ जहाँ आप वो कॉपी पेस्ट करेंगे तो उस ऐप का नाम आपको वहाँ पर बता ही देगा। तो ये है अलर्ट देगा आपको कि भैया कि आपका डेटा को कहीं ना कहीं यूज़ किया गया है। छोटा सा फीचर है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पर जिनको पता था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।